रेत से भरी हाईवा की चपेट में आते आते बाल बाल बचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर। प्रशासन से गुस्साए निशु हाईवा गाड़ियों पर कार्रवाई की बात को लेकर घंटों बैठे बीच सड़क पर। देर रात जनप्रतिनिधि और माइनिंग अधिकारी के बीच जमकर बहस हुआ। दरअसल कांग्रेसी नेता निशु चंद्राकर किसी कार्यक्रम से आ रहे थे, इस बीच सिहावा चौक के पास रेत से भरे हाईवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, जिसके बाद निशु ने अपनी वाहन खड़ी कर विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनके समर्थक भी मौके पर पहुंचकर विरोध में शामिल हो गए। कुछ देर पश्चात पुलिस भी पहुंच गई पर बात ना ही बनी। रात्रि 12:30 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इधर विरोध के चलते सड़क पर वाहनों की लाइन लग गई। इसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वही खनिज अधिकारी भी मौके पर आकर विरोध शांत करने की प्रयास कर रहे थे। कांग्रेसी नेता का कहना था कि एनजीटी के नियमानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से सभी रेत खदान बंद रखने का आदेश है, लेकिन खदान में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। यह सब जिला प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है, जिसके चलते रेत माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाता। यदि नियम के तहत रेत खदानों को बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। इधर खनिज अधिकारी ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने की बात कही। देखिए, मैं एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन एक हाईवा बेपरवाह चल के आ रही थी। आप देखेंगे नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है, मैं मरते मरते बचा हूँ, इसीलिए आज मुझे धरना करना पड़ा। एक जनप्रतिनिधि का जो इस तरीके से हाल है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। दूसरी बात, एनजीटी के जो नियम है 10 जून से 15 अक्टूबर तक, लेकिन एनजीटी के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन है इसके पीछे? सीधी सी बात है, प्रशासन। अभी आपको क्या आश्वासन मिला, किससे किससे बात? मैंने अभी हमारे माइनिंग ऑफिसर योगेंद्र सिंह जी, हमारे एसडीएम साहब विभोर अग्रवाल साहब जी, नेहा पवार जी और हमारे जितने भी सम्माननीय जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, और उनसे स्पष्ट रूप से बात हुई है कि अगर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं होगा तो मैं वहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठूंगा। और मुझे मालूम है कि गाड़ियाँ किस तरीके से बेपरवाह चल रही है। आज आप एक बात बताइए, किसी की माँ यहाँ से रोड से चलती है, किसी की बेटी चलती है, किसी की बहन चलती है, किसी का भाई चलता है, किसी की दादी चलती है, किसी का दादा चलता है। आज मैं चल रहा हूँ, मेरे ऊपर हानि आई तो मैं यहाँ पे बैठ गया। जो आश्वासन मेरा लिखित में है कि मौखिक में? देखिए, जो आश्वासन मिला है वो मौखिक मिला है। मैंने माइनिंग अधिकारी को बोल भी दिया है कि अगर एनजीटी के नियमों का पालन अगर नहीं होगा तो निशु चंद्राकर वहीं पे धरने प्रदर्शन पे बैठेगा और पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। अरे नहीं, मैं बोला ना, माननीय महोदय के सामने ही बोला कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानें बंद रहेंगी, ठीक है ना। इस बीच में हमने जिला प्रशासन की तरफ से माननीय महोदय से निरंतर कार्रवाई की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है, आदरणीय कलेक्टर महोदय मैडम के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे, और भविष्य में भी बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कल से यदि खदानों में चेन माउंटेन यदि हाईवा दिखता तो फिर क्या? निरंतर कार्रवाई की जाएगी, निरंतर कार्रवाई। अभी मौके पे कितनी गाड़ियां मिली सर आपको? ये अभी हम लोग मौके पे कुछ गाड़ियां मिली हैं, अभी जांच के विषय में इंस्पेक्टर अभी जांच कर रहे हैं, उस पे कुछ गाड़ियां मिली हैं और उसके नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिट पास तक नहीं है, महाराष्ट्र तक गाड़ियां जा रही है पूरी? बिना पिट पास गाड़ियों पे हम लोग पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं, ठीक है ना, और इसके बाद में आगे भविष्य में भी और हमेशा ये कार्रवाई हम लोग तत्काल करते रहेंगे। कार्रवाई की बात तो कहते हैं, उसके बावजूद इस तरह चला जनप्रतिनिधि लोगों को भी सड़क पे बैठना पड़ रहा है? नहीं, जनप्रतिनिधियों का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और जनप्रतिनिधियों का हमेशा ये वैल्यू रहा है, ठीक है ना, वो अपनी आवाज उठाते हैं और जिला प्रशासन उनके सहयोग में रहा है और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। और धमतरी जिले में आदरणीय कलेक्टर महोदय मैडम के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन के पे हम लोग आगे भी भविष्य में निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे, ठीक है।